हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आपको दिखाने एक बहुत ही खूबसूरत 2 BHK अपार्टमेंट विद 2 बैल्कनी। आप जो देख रहे हैं ये एक सैम्पल अपार्टमेंट है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसका हैंडओवर है 2025 दिसंबर में, और एज़ पर बिल्डर कमिटमेंट हैंडओवर होगा 2024 दिसंबर में। और ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये 2 BHK अपार्टमेंट का जो कार्पेट एरिया है इसका साइज़ है आपका 710 स्क्वायर फीट का। तो लेट सी, तो जैसे आप एंट्री करते हैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन लिविंग स्पेस दिखता है। दिस इज़ ओनली लिविंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस सेपरेट दिया गया है और स्पेस देखिए काफ़ी अच्छा है, और क्रॉस वेंटिलेशन और एयर एंड लाइट देखिए कितना बढ़िया है ये अपार्टमेंट का। तो आप जो ये लिविंग कम डाइनिंग स्पेस देख रहे हैं इसका साइज़ है लिविंग स्पेस का 15.7 फीट बाई 10.6 फीट का। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं आप देख सकते हैं इस तरफ से कितना खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे आप ऐसे ही आपका अपार्टमेंट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम लोग अंदर चलते हैं, तो चलते हुए यहाँ से आप देखिए ये है आपका लिविंग स्पेस मेन डोर के पास, और इस तरफ आपको टीवी यूनिट स्पेस दिख जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं जो बालकनी है अटैच्ड बालकनी उसके तरफ। अटैच्ड बालकनी के साथ साथ ये आपको ऐसा ही एक डोर मिलने वाला है विद प्रॉपर सेफ्टी। और ये जो बालकनी है इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 11 फीट बाई 5 फीट का, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। और ये आपका हाई राइज टावर्स है विद B+G+20 स्टोरेड। सो अभी हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस का जो साइज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डाइनिंग एंड आपका किचन स्पेस एक साथ ही दिया गया है। किचन एंड डाइनिंग का जो साइज़ है ऑलमोस्ट 16.5 फीट लॉन्ग है और 9 फीट इसका चौड़ाई है। बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग स्पेस एंड किचन स्पेस। आप देख सकते हैं एल पैटर्न में एक काउंटर आपको ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर दिया जाता है। यहाँ पे आपका सेपरेट फ्रिज स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप फ्रिज स्पेस रख सकते हैं। यहाँ पे सारे आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रखे हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ आपको एक अटैच्ड ड्राई बालकनी मिल जाता है। इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 4.11 फीट बाई 3.5 फीट, मतलब 5 फीट बाई 3.5 फीट का आपको ये ड्राई बालकनी मिल जाता है। और डाइनिंग स्पेस भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे लॉबी स्पेस का कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो कोई लॉबी स्पेस यहाँ पे नहीं है इस फ्लैट में। तो नो वेस्टेज, 100% कार्पेट एरिया यूटिलाइजेशन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कॉमन वॉशरूम, इस तरफ कॉमन वॉशरूम का साइज़ है 7.1 फीट बाई 4.3 फीट का। और इस तरफ आपको आ जाता है मास्टर बेडरूम, और इस तरफ आपका फर्स्ट बेडरूम और किड्स बेडरूम मिल जाता है। तो पहले हम लोग किड्स बेडरूम देखेंगे। किड्स बेडरूम का जो साइज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये किड्स बेडरूम का साइज़ है ऑलमोस्ट 11 फीट बाई 10.5 फीट का, और यहाँ पे दोनों तरफ आप स्टडी टेबल लगा सकते हैं। और विंडो का स्पेस देखिए कितना खूबसूरत है, और एक अलमीरा स्पेस देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम की तरफ। तो इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम का एंट्री दिख जाएगा। सो एंट्री करते हैं। सो ये जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है ये काफ़ी खूबसूरत है, 12 फीट बाई 11.5 फीट का ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है आपको। और मास्टर बेडरूम के साथ साथ और एक बालकनी अटैच्ड है और एक अटैच्ड वॉशरूम भी है। तो चलिए देखते हैं। इस तरफ आपको एक बालकनी मिलता है, और यहाँ पे आप एक वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं ऐसे।
और देखिए कितना खूबसूरत ये मास्टर बेडरूम स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत है मास्टर बेडरूम का स्पेस। और चलिए बैल्कनी को देखते हैं, ये सेकंड बैल्कनी है फ्लैट का, और सेकंड बैल्कनी का जो साइज़ है ये है ऑलमोस्ट 11 फीट बाई 5 फीट का। ये भी काफ़ी स्पेशियस है बैल्कनी, और ऐसा आपको ग्रिल दिया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है ये वॉकट का, जहाँ पे सारे रेजिडेंशियल टावर्स हैं चारों तरफ, और कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है हिंजवाड़ी आईटी हब से, क्योंकि फेज़ वन हिंजवाड़ी आईटी हब यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द अटैच्ड वॉशरूम स्पेस। अटैच्ड वॉशरूम स्पेस का जो साइज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है, 7.5 फीट बाई 4.3 फीट का ये अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 टावर देखने को मिलता है, जिसका पोजीशन है 2024 दिसंबर में, एज़ पर रेरा इसका 2025 दिसंबर का पोजीशन है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। सिर्फ 2 BHK अपार्टमेंट्स यहाँ पे है, तो 2 BHK विथ 2 बैल्कनीज। सो थैंक यू, आपको अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में जानना है और विज़िट करना है तो ज़रूर नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, और देखते रहिए MG ग्लोबल चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे दोबारा किसी और दिन किसी और जगह पे और वीडियो लेके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।